मेष लग्न की कुंडली में अगर मंगल और केतु का कंजक्शन आपके तीसरे भाव में हो तो ये आपके लिए कैसा रहेगा। अब तक हम दो भावों तक बात कर चुके हैं। मंगल और केतु का कंजक्शन अगर तीसरे भाव में है तो यहाँ आप अपनी क्षमताओं का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा साहस देगा। मंगल आपका लग्नेश है और लग्नेश अगर तीसरे भाव में आता है तो तीसरा भाव आपके खुद के एफर्ट्स का है। ऐसे में मंगल यहाँ आपके खुद के एफर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है, हेडलेस होने की वजह से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपनी क्षमताओं का, लेकिन गलत तरीके से। इसके साथ साथ मंगल भी क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरी है तो जैसा मंगल है वैसा ही बिहेव यहाँ केतु करेंगे। अगर यहाँ मंगल वक्री हो जाते हैं तो केतु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पर। इस वजह से आपके अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से या बहुत अन्य लोगों से जिनके साथ आप कांटेक्ट में हैं उनसे आपके संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो कंजक्शन है आपके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। कभी कभी आप अपने लिए ही कुछ ऐसा फैसला ले सकते हैं फिजिकली या मेंटली कि आपको नुकसान हो जाए। इसके साथ ही आपको किसी भी प्रकार से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी काम को करते समय, या बहुत ज़्यादा साहस दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये कंजक्शन के होते हुए आपके अपने इनलॉज के साथ, अपने बॉस के साथ, यानी जिन भी लोगों के साथ आप इंटरेक्शन में आते हैं या जिन भी लोगों के साथ आप अक्सर रिलेशनशिप में हैं या जिन लोगों के साथ आपका रोज़ रोज़ बातचीत होता है या जिनके साथ आप हमेशा काम करते रहते हैं, उन लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ने की संभावना बनेगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बिहेव को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला दिखाता है। ऐसी कंडीशन में आप किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, क्योंकि आपको यहाँ मंगल ओवर कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे किसी भी काम को करने को लेकर। ऐसी कंडीशन में या तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाहन चलाएंगे या कोई ना कोई ऐसा रिस्क लेंगे अपने लिए जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान होने के चांसेस बनेंगे। अब यहाँ मंगल की स्थिति को अगर देखा जाए तो मंगल की स्थिति आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रेवल दे सकती है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी दे सकती है। इस केस में हालांकि आपके विदेश यात्रा होने के भी बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ आपके कम्युनिकेशन पर भी इस कंजक्शन का बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो आप बहुत ही गलत तरीके से बोल रहे हो सकते हैं, गलत भाषा का यूज़ कर रहे हो सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसको यूनिक बोल सकते हैं हम एक तरीके से, या फिर उसका जो प्रभाव है दूसरों पर वो काफ़ी नकारात्मक पड़ेगा। तो इससे आपकी छवि खराब होने की संभावना बनेगी और आप हालांकि बहुत ज़्यादा क्षमतावान होंगे इस कंजक्शन के तीसरे भाव में होते हुए, लेकिन आपको अपनी क्षमता का प्रयोग कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है ये आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि केतु है साथ में, इसलिए आपको ये देखना है कि अब आपका बुध कितना ज़्यादा मजबूत है आपके चार्ट में, और यहाँ मंगल बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो मंगल आपको कोई भी ऐसे साहसिक कार्य की तरफ लेकर जा सकते हैं जहां पर आपके लिए फिजिकली या मेंटली बहुत ज़्यादा रिस्क हो। अगर इस कंजक्शन से आपके चंद्रमा प्रभावित हो जाते हैं किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा, तो आपके लिए मानसिक रूप से भी ये काफ़ी ज़्यादा खतरा उत्पन्न करेगा। अब यहाँ मंगल की दृष्टि आपके सिक्स हाउस पर पड़ेगी। सिक्स हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आपके कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद होता रहेगा आप लोगों का। इसके अलावा ऐसे कंडीशन में आपके हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र चलता रहेगा पीछे से, और हमेशा ही आप ऐसी स्थितियों का शिकार होंगे जहाँ पर आप अपने कार्यस्थल पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर सकेंगे, या आपके जैसे विचार हैं वैसे विचार वाले लोग आपके साथ नहीं होंगे अक्सर। तो कहीं ना कहीं विचारों में एकमतता नहीं होगी और इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अक्सर आप अपना कार्यस्थल या जॉब बदल रहे होंगे ऐसी कंडीशन में। इसके साथ साथ आप हमेशा ही लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस वाले होंगे, यानी आप ये चाहेंगे कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं लाइफ में, या कोई भी टारगेट जो आप लेकर चल रहे हैं हमेशा उसको बहुत जल्दी अचीव करने की कोशिश करेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा कहीं ना कहीं। तो ये कंजक्शन की वजह से आपको अपने आप को फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपका रिलेटिव या आपके साथ कांटेक्ट में रहने वाले लोग आपको कोई कुछ भी बोले लेकिन उनकी बातों पर आपको बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देना कभी भी। अब यहाँ पे मंगल हैं वो एर्थ लॉर्ड हैं। एर्थ लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो इनलॉज हैं उनके साथ भी आपके रिश्ते बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बनेगी। इसके अलावा आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है ये कंजक्शन के होते हुए। आठवें भाव के स्वामी मंगल होने की वजह से ये कंजक्शन आपको हालांकि स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, किसी भी प्रकार के केतु से संबंधित फील्ड या आपको कोई अकल्ट से संबंधित फील्ड में, इवन ये कंजक्शन आपको हायर स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो इसके बहुत ही कम अच्छे रिजल्ट होंगे आप लोगों के लिए।
अब यहाँ पर जो मंगल का दृष्टि वो आपके नवम भाव पर रहेगा। नवम भाव पर दृष्टि होने की वजह से अक्सर आपको अपने पिता के साथ मतभेद देखने को मिलेंगे। हालांकि ये कंजक्शन आपको थोड़ा सा आपके करियर में जरूर कभी कभी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि मंगल का दृष्टि यहाँ से आपके दसवें भाव पर भी रहेगा और वो मंगल का उच्च का घर है, लेकिन यहाँ पर आपके संबंध बिगड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनेगी। इसके साथ साथ आप जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रेवल करेंगे और बहुत ही सडन ट्रेवल करेंगे और आपकी जो भी प्लानिंग्स होंगे वो सारी की सारी प्लानिंग अचानक से बनेंगी। आप पहले से अगर कोई काम के लिए प्लान करके बैठे हैं बहुत लंबे समय से, तो हो सकता है कि उस प्लान को आप ऐन वक्त पर कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपने आप को ऐसा दिखाएंगे लोगों के सामने जहां पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं किसी भी काम को करने को लेकर, या बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन यहां पर जो आप गलतियां करेंगे वो केतु की वजह से करेंगे अक्सर। तो आपको सही समय पर सही फैसला लेना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आपको धैर्य रखना पड़ेगा फिजिकली और मेंटली भी।